से कोई एक लेके जाएं तो फिर किसको लेके जाएं? अगर आपका भी कन्विक्शन ये कहता है कि बेस इनका बन गया है, मैं यही क्वेश्चन वापस से क्लोजिंग में भी रिपीट कर रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का बेस बन गया है? और अगर लेके जाना है किसको लेके जाएं? आज दोनों शेयर डे हाई पे क्लोज कर रहे हैं। आई थिंक दैट वुड बी फेयर, दैट वुड बी फेयर। खुश, आपको आवाज आ रही है? हां जी हां, बताइए। बिल्कुल, हमने सुबह और तभी हम यही बात करते कि HDFC का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव लग रहा है, और जो ये फॉल आया है, अगर मैं HDFC की पर्टिकुलरली बात करूं, तो जो ये फॉल आया है ये वही 2100 के आसपास आके अरेस्ट हुआ है जहां पे स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं यू नो दो बार स्टॉक यहां पे सपोर्ट लेके एक बार यू नो टर्न अराउंड कर रहा है, लुक्स लाइक यू नो एक इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है या जो इंटरमीडिएट बेस है वो बन गया है। और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं उस पर भी एक टर्न अराउंड देख रहे हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक एक नया मोमेंटम गैदर कर सकता है। क्या उन हाइस तक जाएगा यू नो जो हमने रिसेंटली देखे थे मर्जर के अनाउंसमेंट के दिन? मे बी नॉट सो फास्ट, लेकिन डेफिनेटली एक अपसाइड इन स्टॉक्स में यहाँ से बनती है। HDFC का अगर मैं पर्टिकुलरली यू नो टारगेट कहूँ तो 2375 का जो लेवल है वो इस स्टॉक पे यू नो इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। और अगर कोई फ्रेश पोजिशन ले तो 2100 का स्टॉप लॉस रखिए जहां पे हमने स्टॉक को सपोर्ट लेते हुए देखा है। सो ऑल इन ऑल looks like there is an intermediate base formed aur ek buying opportunity ke taur pe you know ye jo prices hain ye act kar sakte hain। क्लियरली राय आपको मिलती हुई यहाँ पर स्टॉक रिएक्शन को देखते हुए ओपनिंग में भी और साथ ही रिएक्शन के बल पर ही क्लोजिंग में भी, आपके लिए राय हमने आप तक पहुंचाई।